अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले चीज़ें आ जाती हैं जो हमें उम्रे के लिए चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें मैंने शामिल की हैं जो हमें ट्रैवलिंग के लिए भी चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो जी आ जाता है आपका फॉर लेडीज़ मैं बता रही हूँ, तो सबसे पहले आ जाता है आपका बाया। इसमें आप एक्स्ट्रा स्कार्फ रख लें, बाया रख लें। सबसे मेन चीज़ तो ये हो जाती है जो आपने एज़ अहराम की नियत से जो आपने पहनना होता है वो होता है हमारा बाया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ये है प्रेयर मैट, इन दोनों में से जो है वो मैं एक को ही रख लूँगी। इसके अलावा ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप रखना चाहें, ये ऑप्शनल है वैसे तो। सॉक्स की टाइप आप शूज़ उतार देते हैं तो आप ये पहन लें, तो ये बहुत नीचे से भी सॉफ्ट रहता है, और इसके अलावा ये चलने में भी काफ़ी ईजी है, स्लिपरी नहीं होता। उसके अलावा जी आते हैं ये जो है वो आपके बाजू के लिए होते हैं कि आप इसको पहन के अपने बाजू कवर कर लेते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है आपके कपड़े किस तरह हैं, आपके बाया किस तरह हैं, कि आप हाथ ऊपर करते हैं तो आपके हाथ तो नज़र नहीं आते, तो आप उस सूरत में जो है वो ये अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा एक पानी की बोतल है, इसके अलावा ये बैग है जिसमें हम शूज़ डाल सकते हैं पीछे। इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बैग होना चाहिए क्रॉस बॉडी जिसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें डालें। अच्छा, ये भी एक बैग टाइप चीज़ है, इसके अंदर जो है ना बैग है, ये फोल्ड हुआ है, ये एक एज आ मतलब आप समझे ऑप्शनल है। अच्छा, उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे उम्रे की बुक्स हैं, उम्रा गाइडेंस बुक है। इसके अलावा आपके कोई वजीफ़ों की बुक्स है तो आप वो रख लें अपने साथ। और यहाँ पे मैंने रखी है एक काउंटर, और ये भी जो है वो तवाफ़ के लिए आप अपने काउंट करने होते हैं कि कितने चक्कर हो गए उसके लिए है। इसके अलावा आपको सीजर्स की ज़रूरत पड़ती है, नेल कटर होता है, और ये है जी पेपर सोप बग़ैर खुशबू की इन एनी केस। और यहाँ पर आ जाएँ तो जी, यहाँ पे मैंने रखी हैं कैप्स, हेड कैप्स जो होती हैं इस तरह की, ये इस तरह की जो होती हैं वो कैप्स रखी हैं। और ये मैंने दो कलर्स में रखी हैं, और ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी ब्लैक एंड वाइट, वो मैंने ये भी रख दी हैं, इसको रखते हैं साइड। यहाँ पिंस रखी हैं, अगर आपके पास बेबी है तो आप दूसरी वाली पिंस ले लें, क्योंकि इसका जो होता है डर होता है चुभने। अच्छा, उसके अलावा उन चीज़ों पे आ जाते हैं जो हमें ट्रैवल के दौरान भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे एक टिश्यू बॉक्स रखा है मैंने, यहाँ पे डेली यूज़ के लिए आपने फेस वॉश, आपका पेस्ट, ब्रश, साबुन पे भी इसमें ऐड होगा, तो ये चीज़ें आपने ट्रैवलिंग के लिए रखनी है। उम्रे और अहराम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमने। इसके अलावा जो आ जाती है मेन चीज़ें, वो मास्क हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो मास्क अभी भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्लासेस आ जाती हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा वेस्लिन की ज़रूरत पड़ती है उम्रे के बाद, काफ़ी पड़ जाती है। अच्छा, ये मेडिसिन जो वो मैंने सेपरेट कर दी है, अभी इसमें काफ़ी मेडिसिन जो है वो ऐड होंगी, मैं उसकी एक्स्ट्रा वीडियो बना लूँगी। यहाँ पर जिक मैंने कॉम्ब रखी है, ये कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, क्योंकि ऐसे उम्रा तो एक या दो घंटे का ही होता है, लेकिन आपने एक टाइम वहाँ गुजारना होता है, उसके लिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने इधर ही ऐड कर दी हैं। अच्छा, उम्रे के लिए स्पेशल या पूरे टूर के लिए आपको जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ चाहिए वो ये शूज़ हैं, क्योंकि एज सच वुमेन कोई भी पाबंदी नहीं होती शूज़ की, तो आप किसी तरह का भी कंफर्टेबल शूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्लीपर्स लिए हैं, इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये सैंडल्स लिए हैं, ये दोनों ही बहुत सॉफ्ट हैं, दोनों ही वाटर प्रूफ हैं, वॉशेबल हैं, मैंने ले लिए ताकि ये पूरे टूर में जो है वो मेरे साथ रहेंगे और ईजी और कम्फर्टेबली जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इन शूज़ की अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो आपको मेरी व्लॉग में मिल जाएंगी, व्लॉग जो है वो ऑलरेडी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये बड़े स्कार्फ भी लिए हैं, वो मैंने आपको पहले कैप्स दिखाई थी, यहाँ पे मैंने बड़े स्कार्फ लिए हुए हैं जो आप इजीली पहन लेते हैं और आपके बाजू तक जो है वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने दो कलर्स के स्कार्फ लिए हैं, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये पिंस लिए हैं जो ईज़िली बंद हो जाती हैं और इसे चुभने का जो है वो डर नहीं है। जो उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।